अब दास ने एक शब्द और बोला था कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग्य नहीं है, ये अविनाशी नहीं है। अब ये बातें विशेषकर पवित्र हिंदू समाज में आसानी से स्वीकार्य नहीं है, लेकिन स्वीकार करनी पड़ेंगी क्योंकि और विकल्प अब रहा नहीं। हम जिन सदग्रंथों को सच्चा मानते हैं, सत्य ज्ञान युक्त मानते हैं, और उन्हीं ज्ञान में उन्हीं सदग्रंथों में जो लिखा है वो तो आप जी को मानना ही चाहिए और मानना ही पड़ेगा। उसको भी नहीं मानते हो तो फिर आप भक्ति लाइन के व्यक्ति नहीं हो, आप ड्रामा कर रहे हो। आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अविनाशी मानते थे, अजरो अमर मानते थे, इनसे ऊपर कोई देव नहीं, कोई मालिक नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं, ऐसा हम मानते थे क्योंकि हम सुनते आ रहे थे लोक वेद से। लोक वेद होता है सुना सुनाया ज्ञान, दंत कथा, एक दूसरे का बोला हुआ ज्ञान। और वो लोक वेद यदि सदग्रंथों से मिलता है तो वो सही है, और जो सदग्रंथों से नहीं मिलता है तो वो व्यर्थ है, दंत कथा है, यूजलेस। तो इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि हम ये ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी लाभ हो रहा है उसके विषय में गीता ज्ञानदाता कहता उसका निमित्त मैं ही हूं, लेकिन ये मुझ में और मैं इनमें नहीं हूं। अपुणात्मा फिर ये काल कहता है कि जिनका ज्ञान इन्हीं तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा हरा जा चुका है, यानी लोक वेद के आधार से इतने इनके ऊपर आसक्त हो गए हैं और इनसे ही मिलने वाले अक्षीणिक लाभ को प्राप्त करके ये उसको अंतिम मान बैठे हैं, उनकी बुद्धि इन तीनों गुणों की महिमा सुनने से, ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा सुन सुनकर इतनी हरी जा चुकी है, इतनी ग्रिप होगी है इनके ऊपर कि वो फिर और नहीं मानते किसी की। और ऐसे उनके विषय में क्या बताया है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले ये मूर्ख, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहते हैं मेरी साधना भी नहीं करते। पहले तो आपको कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये देखिएगा शिवपुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संक्षिप्त शिवपुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। और ये है 9वां रुद्र संहिता अध्याय नंबर 9 के लास्ट में। इसमें क्या लिखा है कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं, वो इनसे न्यारा माना गया है। यानी वो काल है शिव, ये काल है जो इसमें शिव की भूमिका कर रहा है। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये रुद्र ये इससे अलग है,
रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यानी तीनों गुणों में, तीनों देवताओं में गुण है। अंडरस्टूड हो गया कि ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये इनसे अलग है, इससे हमने इतना ही लेना है। अब देखिएगा ये श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग एक, ये कहां से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम खेमराज श्रीकृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4 से। और ये तीसरे स्कंद पर हम आते हैं। इसमें क्या लाभ हमें कि हिंदी भी लिखी और संस्कृत भी। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषाटीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। इसके 11 नंबर पृष्ठ पे, इसके 11 नंबर पृष्ठ पे आप देखिएगा, 11 नंबर पृष्ठ तीसरे स्कंद का अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर हम 7 को पढ़ेंगे, 8 को, ये 7वां या खत्म हुआ 8वां। हे माता, शंकर जी बोल रहे हैं, हे माता यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हैं हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है। ये प्रधान शब्द नहीं है, यह दिखाएंगे संस्कृत में, इसका अर्थ है कि आपने मुझे सत्तमोगुण किस प्रकार बनाया है, प्रधान किया, और ब्रह्मा को रजोगुण और हरि सतोगुण। अब यहां देखेंगे, ये संस्कृत है, 7वां श्लोक अंत हुआ और 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना, यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण, किस प्रकार मैं तमोगुण बना दिया, क्यों जन्म दिया, उत्पन्न कर दिया, और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव है, तो किस पर क्यों इसको रजगुण बना दिया, सुवीत किमु तो सतोगुण हरि, और विष्णु को तुमने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। आज के सत्संग का विषय है, जैसे परमात्मा की वाणी में तीन लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी, तीन लोक और भवन चतुर्दश में कोई भी सत्संगी नहीं है, यानी कोई भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, जो सत्संग से परिचित नहीं है कहीं भी सत्संग नहीं होता, केवल दंत कथाएं सुनाई जाती हैं, लोक वेद सुनाई जाती है। अब इससे पहले थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है अभी आपको दिखाया, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर तीसरे स्कंद में, इसमें शंकर भगवान जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा, विष्णु जी कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव और तिरुभाव हुआ करता है, आविर्भाव माने जन्म, तिरुभाव माने मृत्यु,
विष्णु जी कह रहे हैं हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं है, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो, करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समृत हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ब्रह्मा रजगुण, विष्णु सतगुण और शंकर तमोगुण, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। अपुणात्मा इस प्रसंग से ये कति स्पष्ट हो गया, इस प्रसंग से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, और ये तीनों नाशवान हैं, इनकी माँ दुर्गा है, और एक अलग से सुन दिखाएंगे जो इनका पिता ये काल रूपी ब्रह्म ज्योति निरंजन है, जो शिव पुराण की रुद्र संहिता अध्याय नंबर 5, 6, 7 में स्पष्ट वर्णन है कि काल रूपी ब्रह्म से इन तीनों की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा विष्णु और शिव की, इस महेश की, रुद्र की है। और ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, नियमानुसार जो भी कर्म जिसका है उतना ही फल दे सकते हैं। अब हम पढ़ाएंगे आपको गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक, आपका आसानी तो समझ में आ जाएगी ये तत्व ज्ञान, ये कड़वी कड़वी कुनीन जो है आसानी से गले उतर जाएगी। जो दास ने शब्द बोला था कि तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, आज के वर्तमान का तो कहना है कि है, परमात्मा ने तो कहा कि तीन लोक और 14 भवन में पूरे ब्रह्मांड में कोई सत्संग से परिचित नहीं है। सत्संगी का अर्थ है सत्य का साथी, तत्व ज्ञान से परिचित व्यक्ति। अब परमात्मा ने ये बात कही उस समय जब वो स्वयं आए हुए थे, तो वो अपने से अतिरिक्त बोलते हैं। तो आज दास कह रहा है कि इस दास के अतिरिक्त पूरे विश्व में किसी के पास भी आध्यात्मिक यथार्थ मार्ग नहीं है, पूर्ण मोक्ष मार्ग नहीं है, शास्त्र अनुकूल साधना किसी के पास भी नहीं है, या चाहे कड़वी लागो चाहे मीठी, बात सच्ची है। अभिमान नहीं, ये बिल्कुल तत्व ज्ञान समझ लेना।